कई बार ऐसा होता है जब आप रिश्तों में ऑप्शन बन जाते हैं, लोग आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। बहुत तकलीफ देता है ये चीज जब आपको इस चीज का रियलाइजेशन होता है, जब आपको पता चलता है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन थे। भाग्यशाली हैं अगर आपको ऑप्शन होते हुए बीच में पता चल जाए कि आप ऑप्शन हैं, बन गए हैं किसी के लिए। पता है कभी कभी बड़ा अजीब सा धर्म संकट होता है, एक कॉम्प्लिकेशन होता है रिलेशनशिप में। हम जानते हैं कि हम ऑप्शन हैं, फिर भी हम ऑप्शन बन नहीं सकते। कई बार हमें पता होता है कि हमें साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम अपने लिए स्टैंड ले नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। आदत पड़ जाती है हमें सामने वाले की, लोग हमें ना छोड़ते हैं ना साथ रहने देते हैं। इमोशनली अब्यूज हो रहे होते हैं, और क्योंकि अब्यूज हो रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में सामने वाले को भी अब्यूज कर ही रहे हैं। और इस चक्कर में एक ऐसी तनातनी है कि आप देखेंगे कि दोनों हाथों में जख्म हो चुका है। अगर आप कभी भी, आपको ये लगता है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन है किसी के लिए, तो निकल जाइए। सही सलाह यही है कि निकल जाए। लेकिन आप बस ये सोचिए कि अगर ऑप्शन हो करके भी आप खुश हैं, या किसी के, अगर आप अपने किसी पुराने रिश्तों में देखेंगे, किसी के लिए, किसी के साथ प्राइमरी पार्टनर बन करके भी आप दुखी थे, तो बेहतर है ना कि ऑप्शन बन के ही रहे। देखो, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने आजकल परसों में जो अपने जीवन में जो देखा है, लोगों के साथ इतनी सारी काउंसलिंग्स की है, तो कई बार प्राइमरी रिलेशनशिप में भी आप दुखी होते हैं और ऑप्शन बन के भी आप खुश होते हैं। पर ये जो ऑप्शन शब्द है ना, तब काटता है जब ये रियलाइज तब होता है जब सब कुछ खत्म हो गया, कि वो इंसान किसी और के साथ चला गया और आप ऑप्शन थे। आप सिर्फ ऑप्शन थे, क्योंकि यदि वो नहीं मिलता तो आपको उठा लिया जाता, लेकिन चॉइस हमेशा से वो थी। सीधे, सच्चे, नरम, प्यारे लोगों के साथ ऐसा बहुत होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। देखो, आप में से अगर कोई ऐसा है जो ऐसे हालातों को झेल रहा है, तो मेरी एक बात समझो। सबसे पहले चुगली करना बंद कर दो कि आपके साथ ऐसा 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 हुआ, कहीं और जाकर रोना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो दोबारा वही गलती फिर से करेंगे। क्योंकि अक्सर हम जिसके कंधे में जाकर अपने पहले प्यार का रोना रोते हैं, हमारा दूसरा प्यार, दूसरी मोहब्बत भी, दूसरा रिश्ता भी उसी से ही जुड़ता है। और क्योंकि आप पहले से ही कमजोर थे, वल्नरेबल थे, तो दूसरी मोहब्बत भी आपको दुख ही देगी। जिंदगी हमेशा उतनी अच्छी भी नहीं होती जितनी हम लेकर चलते हैं, और ये जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं होती जितना हम इसे मान लेते हैं। बेशक खुद को मौका दीजिए, बट पहले खुद के साथ समय बिताइए। जब आप इन सारे चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएंगे, फिल्में देखिए, घूमिए, मॉल जाइए, शॉपिंग कीजिए, अकेले कहीं घूमने निकल जाइए, किताबें पढ़िए, घर वालों के साथ समय बिताइए। अगर आप अभी रियलाइज करेंगे ना कि आपने घर वालों के साथ समय तो बहुत लंबे समय से बिताया ही नहीं था, वो करिए, बिताइए, समय बिताइए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना कुछ है जिसने आपको
ऑप्शन फील करा करके धोखा दे दिया। वो गलत नहीं था। ये जो हो गया है ये हालात आपको बेहतर बनाने के लिए। और कर्मों के सिद्धांत में भी तो हम यही समझते हैं ना कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, हमारे ही प्रारब्ध है। हम अपने ही प्रारब्ध को झेल रहे हैं। जो कर्म हमने पहले कर रखे थे उसकी ही सजा हमें आज मिल रही है, और जो भी आज अच्छा हम झेल रहे हैं वो हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। तो जो लोग भी मेरे साथ कर्मों के इस सिद्धांत को लेकर चलते हैं वो सब जानते हैं कि आज जो भी दुख हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों से ही मिल रहा है। तो अगर आप किसी भी रिश्ते में ऑप्शन की तरह फील कर रहे हैं तो अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताइए और अपने लिए जल्दी से जल्दी सही डिसीजन लीजिए, क्योंकि जो भी हो आपकी चॉइस से हो, ताकि ब्लेम किसी और पे ना डालें। ठीक है, अगर आपको इसमें रहना है, आप इसमें खुश हैं, तो अपनी चॉइस से रहिए, और आपको नहीं रहना है तो अपनी चॉइस से बाहर निकल जाइए। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूं आज का ये कठिन अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला ही। नमस्ते अजी।